हवा के जलना, और यदि पेड़ बनना है, देव बनना है, तो इस धरती की कोख में समाहित होना। और आज जो आपके बीच में रिमाल पहने हैं, खीला मुठुका पहने हैं, हिरवा पहने हैं, घाट वारे घटवैया दादा है, खेत खलियान वारे दादा दाई है, ये कौन है? ये हमारे पूर्वज हैं, जिनकी आज हम समय समय पर पूजा अर्चना करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए मेरे सगाजनों, जैसे कि यह मगुआ खेड़ा है, और मगुआ खेड़ा है, इस खेड़े की रचना कैसे हुई होगी, किसने की है? कभी इतिहास में नाम आया है मगुआ खेड़ा का? नहीं आया, रचना ही नहीं की गई। जबकि इस क्षेत्र में एक से एक राजवंश है, राजघराने हैं, और इस राजवंश के आप वंशज बैठे हो, कहीं ना कहीं आपका गढ़ है, किला है, कोट है, आप इस भुइया के राजा महाराजा हो, और आपका नाम किन्हीं पन्नों में नहीं है, इतिहास में नहीं है। कितना अन्याय हुआ है आपके साथ में। खैर, हम उस बात पर चर्चा न करके आज हम चलेंगे इस ग्राम के देवी और देवताओं का आगमन कहां से हुआ, कैसे हुआ, कौन है वे देवता जो उस खेरे खूंट की रखवाली करते हैं, और उनकी हम समय समय पर पूजा करते हैं। लीजिए सगाजन एक बार जयकारा देंगे, बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेंता, सजोर पेंता, सेवो हंसे पेंता, सेवो सेवो। इसी बीच में इस गाथा को लेकर चले गए हमारे छोटे गुरु जी, जो इस ग्राम के देवी देवताओं का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन है, पालनहारे कौन है, और कैसे उनका खेरे खेरे में आना प्रारंभ होता है, कैसे खेरे खूंट उन देवताओं ने बसाए, ये प्रसंग पर हमारे छोटे गुरु जी ले चलेंगे। एक बार छोटे गुरु जी के लिए शानदार स्वागत में तालियों से उनका सम्मान करते हुए, बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पेंता। हेलो, एक बार जयकारा देंगे, बोलिए फड़ा पेंता। भैया कंजूसी बिल्कुल नहीं, ईमानदारी से बोलो, दो घंटा लेट तो आप आई हैं, ताकत दिखाना तो पड़ेगा। बोल फड़ा पेंता। नरसिंहपुरिया भी सोच रहे हैं कि भैया नर्मदापुरम के लोग है, जा गए हैं। तो सबसे पहले इस धरा धरती दाई को कोटि कोटि नमन, सेवा जोहार। मगुआ खेड़ा की पावन भैया में विराजमान पंचतत्व कलश घट ज्योति के चरणों में कोटि कोटि नमन, सेवा जोहार। सेवा जोहार अखंड प्राण नायक, सृष्टि के सृजनहार, जगत नेता देव फड़ा पेन बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन, सेवा जोहार। सेवा जोहार इस ग्राम की रखवारा खेरोदाई के चरणों में कोटि कोटि नमन, सेवा जोहार। सेवा जोहार इस ग्राम के पटेल बाबा, ठाकुर बाबा, हरदुलाला के चरणों में कोटि कोटि नमन, सेवा जोहार। सेवा जोहार पांच खंड धरती के राजा शंभु शेख बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन, सेवा जोहार। सेवा जोहार काल कलेशों को हरने वाली दाई कंकाली के चरणों में कोटि कोटि नमन, सेवा जोहार। सेवा जोहार इस गोंडियन भाषा संस्कृति के निर्माता, बौद्धिक ज्ञानी, भाषा शास्त्री, समाज शास्त्री, ऐसे योगी श्रेष्ठ गुरु पहाड़ी पारी कुपार लिंगो बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन, सेवा जोहार। सेवा जोहार गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के जनक पैनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सेवा जोहार। गोंडी भाषा साहित्य की खोज करने वाले पैनवासी डॉक्टर
मोती रावण कंगाली दादा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सेवा जोहार, सेवा जोहार। मेरे मन मंदिर में ज्योत जलाने वाले दादा गुरु सोहन साहेब पंद्राम जी, आप जहां भी हो आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सेवा जोहार, सेवा जोहार। मेरे जन्म देवैया दाऊदाई माता पिता, आप जहां भी हो आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सेवा जोहार। मेरे ताए पक्ष पर विराजमान जिला नरसिंहपुर से पहुंचे, जिनकी सात निरंतर 17 वर्ष तक इसको अपने को सतत जगाने और जताने का जो कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे दादा मरकाम जी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। सेवा जोहार है। मंच पर विराजमान समस्त भूमका गुरु भाई, जो भी हमारे इसी तरह गुड़वाना सगर समाज को कुशल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पगड़ी बांध लिए हैं, ऐसे गुरु भाइयों को भी मेरा सादर हृदय से सेवा जोहार। और हमारे संगीत कलाकार बेंजू पर साथ दे रहे इंद्राज बाडीबा जी, जो जिला सागर से पहुंचे हैं, उनको भी सेवा जोहार। जिला रायसेन से सिलवानी बिलाग से पहुंचे हेड मास्टर आकाश मरकाम जी, ढोलक पर साथ दे रहे नीलेश उइके जी को भी सेवा जोहार है, सेवा जोहार। इसी कोया प्रणेम आयोजक कमेटी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सह सचिव सचिव, ऐसी सुंदर कमेटी जिन्होंने अपना अथक प्रयास किया और मन और तन धन लगाकर हम सभी को गौड़ी धर्म दर्शन से परिचित कराने का जो कार्य किया है, ऐसी आयोजक कमेटी को भी हम सेवा जोहार करते हैं। और पंचकलश गढ़ ज्योति में राजा रानी के रूप में विराजमान है, उनको भी हम तहे दिल से सेवा 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 जोहार करते हैं। और सेवा जोहार समस्त ग्रामवासियों को कि जो इस कार्य में बड़े उत्साहित हैं, और सेवा जोहार समस्त दूर दराज से आए मेरे सगा मातृशक्ति पितृशक्ति युवा साथी नन्हे मुन्ने बालक, आप सभी को देवदास उइके की ओर से जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना। बोलिए फड़ा पेनता सजोर पेनता। कि हाथ जोड़ विनती करूं इसी से नवाऊं देव, कि लज्जा मोरी राखियो परम शक्ति बड़ा देव। देव में देव बड़ा देव मंगल देव कर काज, शरण तुम्हारी आए बड़ा देव रखे लो हमारी लाज। माति पिता गुरु सुमिरन करूं ये जी धरु चरणों में ध्यान, परम शक्ति बड़ा देव जी करे दो दया का दान। बड़ा देव सुमिरन करो धारे शंभु का ध्यान, अरे लिंग गुरु से अर्ज है सत बुद्धि हो ज्ञान, कियाने बिराजो आसन पे कियाने बिराजो आसन पे बड़ा देव महाराज, लहर दिखा दो आज सभा भरी में आज, कि खोया मुरी दीप में रहने वाले सुन लो मोरी पुकार, किसी कोया पुने में दर्शन में आए सगा जनों को कोटि कोटि सेवा जोहार, कोटि कोटि सेवा जोहार। बोल खड़ा पेनता कि तेरी लीला कोई ना जान सके, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा, कि हे चितानंद सर्वज्ञ जहाँ हे चंड अखंड फिर चंड महा, तुम्हें अजर अमर अविनाशी हो हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा।
चंड अखंड प्रचंड महा तुम्हें अजर अमर अविनाशी हो, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। कि जल बीच तुम्ही अग्नि भी तुम्ही, उन चार से पवन हो तुम्ही, तुम घट घट के वासी हो, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। आकाश तुम्ही, पाताल तुम्ही, मुखरित रवि शशि के प्रकाश तुम्ही, एक त्रिगुण रूपी स्वामी हो, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। कि तुम्हें अत्तल वित्तल हर पल छिंचन, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जय जी नेता हे स्वामी, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। के हर डाल तुम्ही, हर फूल तुम्ही, हर मूल तुम ही ग्रह नभ के तारे हो, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। के तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, के गति प्रगति प्रताप को जान सके, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। के हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। के हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। बोलिए बड़ा पेनता सजोर पेनता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ है, दूर दूर अंचल से चलकर ऐसे कृषि कार्य के समय पर भी आप गौड़ी धर्म दर्शन जानने के और समझने के लिए अपना मन तन लगाकर मऊआ खेड़ा की पावन भैया पर आप लोग बड़े सेवा भाव के साथ विराजमान हैं। आपका हम कोटि कोटि आपको सेवा जवाहर वंदन अभिनंदन करते हैं कि आप उस अंधकार को प्रकाशमय बनाने के लिए आप अपना अनमोल समय यहाँ लगाए हुए हैं। लेकिन सगाजनों, फिर भी हमारा कोया समाज आज की डेट में, आज की वर्तमान परिस्थिति में बहुत भटका हुआ है और अनेक भागों में बटा हुआ है। भारत भैया गुणवाना लेने के लोग तमाम धर्म और पंथों में अपने आप को डुबो चुके हैं, जिससे हमारा अपना गौड़ी धर्म का इतिहास आज पतन होने की कागार पर था। पर समय की बेला ने आज दो महान आत्माओं को इस गुणवाना भैया में जन्म दिया और उनकी माताओं ने भी उनका बड़ा विचित्र नाम रखा कि जो आज इस भारत भैया गुणवाना लैंड के अंदर जिनका नाम हीरा और मोती से जाना जाता है। सगा जनो, ताली तो बजाना पड़ेगा। हीरा मोती के नाम से एक आत्मा छत्तीसगढ़ प्रांत से आती है, दूसरी आत्मा महाराष्ट्र प्रांत से आती है, पर दोनों की माताओं ने एक की माने हीरा नाम रखा और दूसरे बेटे की माने मोती नाम रखा और वह दोनों हीरा मोती गुणवाना के सपूत कहलाए, गुणवाना के सपूत कहलाए। और आज वही जोड़ी मंच पर विराजमान है। एक आत्मा नरसिंहपुर से है और एक आत्मा रायसेन से, और नर्मदापुरम की पावन भैया मऊआ खेड़ा की स्टेज पर अपना संदेश समाज को देने का कार्य है। और उसी बेला में आपको हम एक महत्वपूर्ण बिंदु से आपके अंदर के पट को हम खोलने का प्रयास करेंगे कि हमारा समाज कैसे भटका हुआ है। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा समूह, इतने बड़े लंबे अरसे से राज करने वाला राजा और महाराजा कहलाने वाला, रानी और महारानी की उपाधि का मानने और कहलाने वाला, राजकुमार राजकुमारियों का कहलाने वाला, आज अटरिया से टपरिया में कैसे आ गया भैया? ये बड़ी सोचनी और चिंतनीय विषय है। उस पर हम एक उदाहरण तौर में आपसे संदेश देंगे कि आज के डेट में धर्म के नाम पर नाना प्रकार के मत फैले हुए हैं। धर्म के नाम पर इस भारत भैया गुणवाना लैंड के अंदर
धर्म के नाम पर नाना प्रकार के मत फैल चुके हैं। और जबकि धर्म तो होता है मानव को एक कड़ी में बांधने वाले सूत्र की भांति होता है। धर्म जो होता है वो मानव को एक कड़ी में बांधता है। लेकिन देखिएगा, कोई जय गुरुदेव में, कोई साहिब बंदगी में, कोई ओम शांति में, कोई सतपाल महाराज में, कोई पता नहीं कहां कहां मेरा समाज भटका हुआ है। जबकि धर्म होता है एक कड़ी, एक सूत्र, एक मार्ग से चलने वाला। हमारे कोया संत महापुरुषों ने कोया गणों को निज धर्म का वास्तविक रहस्य कराकर उनकी संपुष्ट अवस्था में, संपुष्ट अवस्था को जागृत किया। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, लेकिन आज सगा जन मेरा सगा समाज उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने इतनी सुंदर व्यवस्था हमको देकर गए हैं जो दुनिया की पटल में उसको कोई मिटा नहीं सका। हजारों वर्ष बीत गए पर आज भी जिंदा है, उसको कोई मिटा नहीं सका और ना वो मिटने वाला है। उस व्यवस्था को हमारे पूर्वजों ने, उस समय शिक्षा का युग नहीं था, कलम का युग नहीं था, किताब का युग नहीं था, पर उनके अंदर कितनी विवेक और बुद्धि रही होगी, उसको धरती पर अंकित करके चले गए हैं, वो व्यवस्था देकर गए हैं। पर सगाजनों, लेकिन सगाजन आज उसके विपरीत दिशा में देखने को मिलता है। इसका एक ही कारण है, उसका एक ही कारण है कि कोया गणों को धर्म के मूल तत्व का आज का मानव भूल चुका है। धर्म के मूल तत्व को आज का मानव बिल्कुल भूल चुका है। जबकि धर्म का अर्थ होता है धारण करना, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। जैसे हम कहते धर्म, धा से धारण करना, रा से रक्षा करना और मां से मानना। ना तो लोगों ने धारण किया, ना रक्षा किया और ना मान पाए। और धर्म धर्म सब कोई कहे, वो धर्म ना माने कोई। निस दिन भर में भूले भैया धर्म कहां से हुई। धर्म धर्म सब कोई कहे, वो धर्म ना जाने कोई। निस दिन भरम में भूले भैया धर्म कहां से हुई। तो धर्म का अर्थ होता है धारण करना, धा से धारण करना, रा से रक्षा करना और मां से मानना। ये धर्म की परिभाषा है। तो इस प्रकार से